हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं जब गैलरी में कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन आती है तो उस डिज़ाइन को किस तरह से सिंपल करके बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट दिया वाला है, जो कि हमने ही मिस्त्री को यहाँ पे गैलरी डिज़ाइन दिया था, उसी में ही इस तरह से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन थी, तो उसे मिस्त्री लोगों को किस तरह से सिंपल करके दिया जाता है। यहाँ पे क्लियरली मेजरमेंट दिया वाला है, यहाँ पे 1.5 इंच की हाइट है, उसके बाद 1 इंच का यहाँ पे विड्थ है, विड्थ होने के बाद इस तरह से स्लोप है, स्लोप के बाद फिर से इस तरह से हाइट है, और फिर से स्लोप है, हाइट है, और सब डिज़ाइन के मेजरमेंट जो है अलग अलग है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 1.5 इंच है, यहाँ पे 1 इंच है, बाद में यहाँ पे 1 इंच का स्लोप है, उसके बाद में 1.5 इंच की हाइट है। तो इसे किस तरह से बनाया जाता है, सबसे पहले जो है इस डिज़ाइन का मेजरमेंट लेके उस इसी डिज़ाइन को क्या करना है कि हमारे पास जो सलमाइक रहता है, जो हार्ड सलमाइक रहता है, उसी उस सलमाइक पे क्या करना है कि इस तरह से मेजरमेंट वहाँ पे मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद उस सलमाइक को इस तरह से कट करके लेना है। कट करके क्या करना चाहिए मैं अगली प्रोसीजर आपको डिटेल बताऊँगा। इस तरह से सलमाइक को कट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसा मेजरमेंट दे वाला है उसी तरह से हमने कट किया वाला है। 1.5 इंच है, बाद में 1 इंच की विड्थ है, बाद में हाइट है, उसके बाद स्लोप है। यहाँ पे ऊपर का ये स्लोप यहाँ पे दिया वाला है, यहाँ पे वर्टिकल पट्टी है। इसी तरह से इसे बनाया जाता है। और जब भी हम इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं तो क्या करना है कि जो डिज़ाइन का होता है, सबसे पहले ऐसे स्क्वायर बॉक्स बनाना है, और यहाँ पे जो एक्चुअल डिज़ाइन होती है ये मेजरमेंट छोड़ देना है। यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस आता है वही एम्प्टी स्पेस का मेजरमेंट लेना है। तो क्या होता है कि ऊपर का जो माल है इस डिज़ाइन में से कट जाता है। अब यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आएगा कि यहाँ में हम क्या किया वाला है कि जो अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड की मेजरमेंट लिए वाले है। अपोजिट साइड के मेजरमेंट लेके इसे माल के ऊपर घुमाना है। अब हम देखेंगे इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अपोजिट साइड के जो है मेजरमेंट लेना है। हम यहाँ पे अपोजिट साइड के मेजरमेंट लेके कट करने वाला है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये लगाने के बाद ये इस तरह से पूरा क्लियरली स्क्वायर बन रहा है। चलो अब हम देखेंगे कि डिज़ाइन पे किस तरह से यूज किया जाता है। छोटा वाला
बॉटम बूथ नंबर बहुत मस्त।